press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अनुपमा के लिए बजी खतरे की घंटी नागिन 6 के आते ही टॉप 10 की लिस्ट से गायब हुए ये टू बड़े टीवी शो साल 2022 के सातवें हफ्ते के टॉप 10 टीवी शो की लिस्ट सामने आ गई है और मैक्स की ओर से दर्शकों के पसंदीदा शोज की लिस्ट जारी कर दी गई है। शुरुआती 3 पोजीशन में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन इसके बाद लिस्ट में काफी हलचल मची है। इस बार नागिन 6 ने टॉप 10 की लिस्ट में एंट्री मार ली है, तो वहीं सुम्बुल तौकीर खान के शो इमली और गुम है किसी के प्यार में का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि इस हफ्ते किन किन टीवी शो का दबदबा दर्शकों के बीच ज्यादा रहा है। हर बार की तरह इस लिस्ट में पहला नाम तारक मेहता का उल्टा का ही है। इस हफ्ते सोशल मीडिया पर भी इस शो का बोलबाला रहा है। कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो ने भी दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। इस हफ्ते ये शो तीसरे पायदान पर है। प्रणाली राठौर और हर्षद चुपड़ा के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता ने टॉप 5 शोज की लिस्ट में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। कुमकुम भाग्य में इन दिनों लगातार कोई ना कोई मजेदार ट्विस्ट देखने को जरूर मिल रहा है। इस शो ने भी टॉप 5 स्पॉट में अपनी जगह बना ली है। कुमकुम भाग्य के बाद लिस्ट में अगला नाम इस शो के स्पिन ऑफ शो कुंडली भाग्य का है। इस शो को लिस्ट में 6 पोजीशन मिली है। रवि दुबे के प्रोडक्शन में बनने वाले शो आर्या ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता है, बल्कि इस हफ्ते इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब बातें हुई हैं। भाग्यलक्ष्मी ने भी इस बार कई बड़े शोज को इस लिस्ट में पीछे छोड़ दिया है। सीरियल का करंट ट्रैक लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लिस्ट में अगला नंबर शिल्पा शेट्टी के रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट है। लिस्ट में इसे 9 पोजीशन मिली है। तेजस्वी प्रकाश के शो नागिन 6 को लिस्ट में आखिरी पोजीशन मिली है, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में यह शो कई बड़े बड़े शोज को पीछे छोड़ दे।